ज्यादा समय नहीं लूंगी, मैं बस अभी नेक्स्ट अपने स्पीकर को बुलाऊंगी, प्रभु लाल जी को बुलाऊंगी, उसके बाद मैं क्रांतिकारी। जय भीम। जय भीम। मैं राजस्थान बाड़मेर जिले से सरहदी गांव गडरा रोड के पास मेरा छोटा सा गांव है तिरमोई, वहां से आया हूं। तो मैं डेल्टा मेघवाल हत्याकांड, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, मैं उस बहन का भाई हूं। डेल्टा एक होनहार और एक प्रतिभाशाली लड़की थी, जो जिसे जहाँ भी मंच मिला उसने हमेशा अपने कामयाबी के झंडे गाड़े। हमेशा उसने एक लीडरशिप में दिखी, जहाँ भी अगर कहीं भी ग्रुप होता तो उसमें आगे होती थी, वो होती थी सिर्फ डेल्टा। लेकिन ये चीज़ लोगों को शायद बर्दाश्त नहीं हुई और उसी का परिणाम हुआ कि उसके साथ रेप और मर्डर हुआ। उसने मात्र 4 साल की उम्र में मंच पे अपना कलाकारी दिखाना शुरू कर दी थी, चाहे वो किसी भी प्रतियोगिता हो, कोई भी हिस्सा हो, लेकिन वो हमेशा टॉप पे रहती थी। और मात्र 8 साल की उम्र में क्लास 4 में पढ़ती थी, तब राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें वो पूरे राजस्थान में फर्स्ट आई थी। और उसकी वो पेंटिंग आज राजस्थान के शासन सचिवालय की दीवार की शोभा बढ़ा रही है। और उसको जो मुख्यमंत्री ने तब सम्मानित किया था, वो सर्टिफिकेट्स और उसका एक बुक आर्ट ऑफ राजस्थान करके, एक जिसमें सारी पेंटिंग छपती है, उसमें उसकी पेंटिंग छपी थी और उसका नाम और उस स्कूल का नाम छपा था। और आज जिस बीजेपी की जो मुख्यमंत्री है, जो सरकार है उनकी, अब जब वापिस सरकार आई तो उनकी पार्टी के लोग जो आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उनका एक शिक्षण संस्थान चलता है, जैन आदर्श कन्या शिक्षण संस्थान। तो उसमें मेरी बहन को एडमिशन दिया गया था बीएसटीसी में। तो वहाँ पे 1 साल पूरा हुआ, दूसरा हुआ, तो सब कुछ सही सलामत चल रहा था, वो पढ़ रही थी। लेकिन अचानक हमारे को 29 मार्च 2016 की रात को फ़ोन करती है, तो काफ़ी घबराई हुई होती है। तो आखिर हम भी ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो हमने सोचा कि कल ही गई है तो मन नहीं लग रहा होगा, इसका डिप्रेशन में बोल रही है, या फिर हो सकता है कि हॉस्टल वार्डन ने ज़्यादा डांट लिया होगा। तो हम सुबह तक वहाँ पहुँचते हैं और दूसरे दिन तक इन्होंने मामले को दबाए रखा। इसका रात को ही रेप और मर्डर हो गया और उसको पानी की टंकी में उसका शव डाल दिया और मामले को दबाए रखा। फिर हमें दूसरे दिन 1 बजे पुलिस की तरफ से फ़ोन आता है कि आपकी बेटी पानी में कूद कर उसने आत्महत्या कर लिए। मतलब उस प्रशासन, जो स्कूल प्रशासन था, कॉलेज प्रशासन था, वहाँ पे जो प्रिंसिपल है, वार्डन है, उनमें से किसी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी कि आप कम से कम इसको मार तो दिया है, कम से कम परिजनों को सूचना तो कर दो। और उसके बाद उन्होंने शव को मोर्चरी तक पहुँचा दिया बिना वीडियोग्राफी के, जहाँ तक कि परिजन वहाँ पहुँचे नहीं, तो उससे पहले उसका शव कैसे हटाया जा सकता है। और उन्होंने पुलिस के साथ अपनी पूरी साठगांठ कर ली और उन्होंने सब वहाँ पहुँचा दिया। उसके बाद पुलिस की तरफ से फ़ोन आता है। जब हम वहाँ पहुँचते हैं पुलिस स्टेशन, तो पुलिस वाले भी बड़े भाव खा रहे होते हैं और उतना उसकी चरित्र पे लांछन लगा रहे होते हैं कि आपकी बेटी गलत है, ऐसे वैसे। मैंने कहा ये कैसे हो गया, एकदम पहले कैसे उसने सुसाइड कर लिया, जब वो हमने एक दिन पहले भेजा है और सही सलामत भेजा है। फिर हमने उसके बॉडी की हालात देखी तो काफ़ी चोट आई हुई थी, जिससे हमें लगा कि इन्होंने तो मर्डर किया, क्योंकि उसके नाक और कान से खून बह रहा था, शरीर पर चोटें आई होती। और हम समझ सकते हैं जब एक आदमी पानी की टंकी में गिरता है तो क्या उसके कान और नाक से खून निकल सकता है, क्या उसके मुंह से झाग आ सकते हैं। ये तो सीधा सा लग रहा था कि हमारे इन्होंने मर्डर किया है। फिर हमने जब पुलिस में FIR दर्ज कराई, उसके बाद हम वहीं विरोध प्रदर्शन पर बैठ गए कि जब तक उनको अरेस्ट नहीं करते हो तो हम यहाँ से शव नहीं हटाएंगे। तो फिर वो 5 दिन तक हमने नहीं हटाया, तो बहुत हालात ख़राब हो गई थी। उसके बाद मुझे बड़े दुख के साथ बताना पड़ेगा कि हमारे समाज के कुछ लोग जो राजनीति में अपने आरक्षण का फ़ायदा उठा के बहुत बड़े बड़े अहदे पर पहुंच चुके हैं, उन्हीं लोगों ने और वहां आके हड़दंग मचा दिया कि ये हम इसको हटाएंगे शव को, उसके बाद में हम लड़ सकते हैं। आम लोगों को आपस में तोड़ना शुरू कर दिया और उन्होंने अपनी राजनीतिक चाल चल के और वहाँ से शव हटवा दिया। नहीं तो वो बहुत तेज आंदोलन हो चुका था, जो एक तरह वहाँ पे एक झटका देने के लिए उन्होंने काम किया था। और उसके बाद हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया और उसके बाद हमने जस्टिस फॉर डेल्टा कैंपेन चलाया, जो मतलब इतना तेज हो चुका था कि राजस्थान की सरकार को भी हिला के रख दिया था। लेकिन फिर वहाँ पे भी हमारे समाज के कुछ नेता आगे आए, उन्होंने कहा, जो बीजेपी से जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा हम आप क्यों फालतू राजनीति में पड़ रहे हो, हमें आपको न्याय चाहिए, आप CBI जांच की डिमांड कर रहे हो, तो हम CBI जांच करा देंगे।
तो उन्होंने आश्वासन दे दिया तो हमें भी राजनीति नहीं करनी थी। हमने कहा ठीक है, हमने वहाँ चले गए, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और सीबीआई जांच का आश्वासन दे दिया। लेकिन आज 7 महीने हो गए हैं, कोई सीबीआई जांच नहीं हो पाई। पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश कर दिया है। चालान में जहाँ तक कि पुलिस ने बचाने की उनको पूरी कोशिश करी है और धाराएं तक नहीं जोड़ी, एससी एसटी की धाराएं और पॉक्सो एक्ट की धाराएं, जो मतलब 1990 में जो एससी एसटी की धाराएं थी उनको हटा के 26 जनवरी 2016 को नई धाराएं लगाई गई है। जो उन लोगों ने वो धाराएं भी नहीं लगाई, पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगाई तो उनकी उपधाराओं को नहीं जोड़ा गया है। ये ऐसा नहीं है कि वो जांच अधिकारी जो एडिशनल एसपी है बीकानेर से, तो उनको इतना भी पता नहीं था कि एससी एसटी की धाराएं कौन सी लगेगी या फिर इनके ऊपर पॉक्सो एक्ट की कौन सी धाराएं लगती हैं। उन्होंने ये सिर्फ जानबूझ के किया कि कैसे भी करके इन अपराधियों को बचाया जा सके, और जबकि जो उस संस्थान का मेन आरोपी है, मुख्य आरोपी है, उसको उन्होंने पुलिस जांच में ही बातचीत बरी कर दिया है। और जो हॉस्टल वार्डन और उसका हस्बैंड है उनको कोर्ट में जमानत दे दी गई, जबकि उन लड़कियों के ऊपर भी दबाव बनाया गया था। उसके बाद जब हॉस्टल वार्डन का बयान अलग आ रहा कोर्ट में और लड़कियों का बयान अलग आ रहा है, और जब हम पुलिस जांच पे हमें भरोसा नहीं है, हमने सीबीआई जांच का आश्वासन सीएम ने दे चुकी है, जब उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, उसके बाद कोर्ट किस आधार पे, उस पुलिस जांच के आधार पे ही उन लोगों को जमानत दे सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और उनके वो बाहर निकलवा दिया जैसे भी करके, और उसके बाद में हम अभी तक लड़ रहे हैं और कोई ज़्यादा न्याय की उम्मीद नहीं लग रही। तो मुझे यहाँ JNU में भी कहा कि बापसा की तरफ से कि आप आइए, हम यहाँ JNU में कार्यक्रम करना चाहते हैं, डेल्टा मुद्दे पे भी बात करना चाहते हैं। तो मैंने बिना कुछ विचार के जस्ट हाँ कर दी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि JNU एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, पढ़ने के लिए तो हर इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हैं बच्चे, लेकिन ये देश का एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ युवा और हायर एजुकेशन के स्टूडेंट है, जो युवा भी हैं और हायर एजुकेशन के साथ हैं, तो वो परिपक्व है कि इस देश को क्या ज़रूरत है, उसके लिए वो लड़ सकते हैं, बोल सकते हैं। मैंने मीडिया में जब भी देखता हूँ जो JNU के बंदे अगर देश में कुछ गलत होता है उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। तो मैं अगर आप लोगों से यहाँ आया हूँ और मेरे अगर आपसे अनुरोध रहेगा तो यही रहेगा कि जब जब डेल्टा केस, आप ये मत समझना कि वो हार गए हैं, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ जब तक हमारी जान रहेगी हमारा ये संघर्ष नहीं रुकेगा। और आप सभी लोगों से मेरा इतना अनुरोध है कि जब जब अभी ये जो जांच हो गई है उसमें हमें कोई न्याय की उम्मीद नहीं है, हो सकता है कि हम जांच की दोबारा मांग करें, इस केस को रीओपन कराया जाए, तो आपको जहाँ कहीं भी अगर प्रदर्शन की ज़रूरत पड़े, जहाँ कहीं भी प्रोटेस्ट की ज़रूरत पड़े, तो मैं सोचता हूँ अगर मैं वो मैं अपने गांव में करूँगा उससे अच्छा है कि दिल्ली में किया जाए और वो आप सभी साथियों द्वारा किया जाए। जब जब ज़रूरत पड़े तो आप सभी लोग आगे आए मिलके, तो और हम उन लोगों को सज़ा दिला पाते हैं तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। और आप सभी से मैं सपोर्ट के लिए सिर्फ यही उम्मीद कर सकता हूँ, और आप किसी भी तरह से हमें मदद कर सकते हैं तो मदद करिए, क्योंकि अकेले आदमी के दम पे हम जान लगा सकते हैं, अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन अकेले हम लड़ सकते हैं लेकिन जीत नहीं सकते। जीतने के लिए हमें आप सब लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए आप हमें पूरा सहयोग करें तो हम इस केस को जरूर जीतेंगे, उन अपराधियों को सजा दिलाने की अब पूरी कोशिश रहेगी। जबकि उन अपराधियों के पास तो इस वक्त राजस्थान सरकार है, मुख्यमंत्री है, सपोर्ट करने के लिए पूरा प्रशासन लगा हुआ है, तो लगा हुआ होगा, लेकिन हम भी इतने कम नहीं हैं, हम अपने आप को कमज़ोर नहीं समझेंगे, लड़ने की हिम्मत रखेंगे तो हो सकता है कि हम भी जीत सकते हैं। लेकिन कम से कम हारे या जीते ये बात की बात है, लेकिन उनको इतना महसूस करा देंगे कि अब दलितों पर अत्याचार करना इतना हल्के में लेना नहीं रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हें भी ये दिखा देंगे कि हम दलित लड़ सकते हैं। हो सकता है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देख सकें, लेकिन आपने पत्थर मारा है तो ईंट मार हम भी सकते हैं। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जय भीम। हमारे साथ डेल्टा के दूसरे भाई भी थे अशोक जी, लेकिन वो नहीं बोलना चाहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोग इतना देर बने रहे हैं हमारे साथ। और जैसा कि सारे स्पीकर्स ने कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं, बहुत सारे सिक्योरिटीज़ हैं प्रिंसिपल में, लेकिन वो एक्चुअली कितना इनैक्ट हो पाता है, एक्चुअली हम लोग को कितना उससे जस्टिस मिल पाता है, ये क्वेश्चन हमेशा रहेगा। और जैसा कि बिट्टू जी ने भी बहुत सारे केसेस मेंशन किए जहाँ पे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों पे एट्रोसिटीज़ हुए हैं, दलित और मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों पे एट्रोसिटीज़ हुए हैं, और उसका केसेस अभी तक पड़ा हुआ है, अभी तक चल रहा है, और अब तक जस्टिस का कोई उम्मीद नहीं देखा गया है। इवन प्रभुलाल जी ने अपना जो पूरा स्टोरी बताया कि डेल्टा के केस पे किस तरीके से जस्टिस के लिए कोई एफर्ट नहीं मारा जा रहा है, इनफैक्ट
सारे एविडेंसेस को छुपाने की और कोशिश की जा रही है. तो ये सारे केसेस थोड़े हैं जो एक्चुअली सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है. जैसा बिट्टू जी ने कहा कि गहराई तक जाएंगे तो ऐसे इश्यूज हर रोज हो रहे हैं और हम लोग जिस इश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं वो बहुत एक्सट्रीम लेवल के हैं, लेकिन छोटे मोटे रोज के लेवल पे और भी बहुत इश्यूज हो रहे हैं जिसके बारे में शायद लोग जानते नहीं हैं या बात भी नहीं करते हैं. तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसे इश्यूज को हम लोग बाहर लाएं और उसको अपने डिस्कोर्स में रोज़ाना लाएं और बात करें और अपने आइडेंटिटी को, अपने पॉलिटिक्स को, आइडियोलॉजी को एसर्ट करने का बहुत ज़रूरत है. तो इसी के साथ फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे इस गैदरिंग को ख़त्म करना चाहूँगी और मैं तीनों चारों स्पीकर्स को, सबको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो लोग आएँ और अपनी बातें रखें. और ये सारे इश्यूज हम लोग को पता है कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर बातचीत होना बहुत ज़रूरी है. और रोहित नमूला से लेके नजीब का इशू, नजीब का जो डिसअपियरेंस है अब तक सॉल्व नहीं हुआ है और किसी को पता नहीं है कि केस किस तरफ जाएगा, लेकिन उसको हम लोग को भूलना नहीं चाहिए. और जस्टिस फॉर नजीब के साथ हम लोग को अपना सॉलिडारिटी दिखाते हुए सारे इश्यूज को आगे बढ़ाना है और अपना कॉन्शियसनेस को सारे इश्यूज के लिए रखना है. इसी के साथ मैं खत्म करती हूँ. साथी डेल्टा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो. साथी डेल्टा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो. साथी डेल्टा को जय भीम बोल जोहार, जय भीम बोल जोहार. साथी तेरा को जय भीम बोल जोहार, जय भीम बोल जोहार. ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद. ब्राह्मणवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम. जय सावित्री, जय भीम, जय भीम, जय भीम. ये इसको है ना.